दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अली। हम आज के वीडियो में देखेंगे डीप फ्रीज। डीप फ्रीज क्या है, डीप फ्रीज किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, और डीप फ्रीज यूज करने का मेन रीजन क्या है। डीप फ्रीज का यूज हम हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे सिस्टम में कोई इन्फेक्टेड वायरस की वजह से हमारे सिस्टम में गड़बड़ी आती है, या वायरस की वजह से कुछ अटैक होता है हमारे सिस्टम में, इससे हमारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल, पीडीएफ फाइल्स, उसका एक्सटेंशन चेंज होता है। जैसे हाल ही में आप देख रहे मालवेयर अटैक होता है, ये सारे मालवेयर अटैक हमारे विंडोज़ की रजिस्ट्री पे अटैक करते हैं, जिससे हमारे विंडोज़ की रजिस्ट्री में वैल्यू चेंज होती है और हमारे विंडोज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। इसे हम रोकने के लिए हम लोग हमारे सिस्टम में डीप फ्रीज इंस्टॉल करते हैं। डीप फ्रीज का मेन गोल है कि सिस्टम में कुछ भी चेंजेस हो तो सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद उस चेंजेस को एक्चुअल मोड में लाने का काम डीप फ्रीज का है। हम लोग डीप फ्रीज इंस्टॉल करके देखेंगे। देन नेक्स्ट एक्सेप्ट एग्रीमेंट। नेक्स्ट, मेरे पास लाइसेंस की नहीं है तो हम लोग इसका यूज़ इवोल्यूशन वर्जन देखेंगे। एंड नेक्स्ट, ये हमें पूछ रहा है कि हमें कौन सी ड्राइव फ्रीज करनी है। हमें सिर्फ सी ड्राइव फ्रीज करनी है, हमें डी ई और जेड नहीं करनी है। देन नेक्स्ट, अभी ये हमें पूछ रहा है क्रिएट द थॉ स्पेस। थॉ स्पेस ये होता है, इन सपोज हमने सी ड्राइव को प्रोटेक्ट कर दिया वायरस की वजह से या अटैक होने से, पर हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन फाइल हमारे डेस्कटॉप पे है, कुछ फाइल उसको हमें डे टू डे वर्क करने के लिए हम लोग एक एज अ वर्चुअल स्पेस बनाएंगे। जो हमें लेटर देना है वो देंगे डी ई एफ जी। हम फिलहाल इसको देते हैं एच। ये हम 1 GB का स्पेस बनाते हैं, सी के अंदर से 1 GB स्पेस लेस होके एक प्रोटेक्टेड एक एक्स्ट्रा ड्राइव बनेगी, जिसके अंदर हम हमारे डेली बेसिस के डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम लोग इसको एज अ सपोज 2 GB बना दे। आप इसको मैक्सिमम 1024 GB तक भी कर सकते हो। देन इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद ये हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कि डीप फ्रीज के प्रमोशन के लिए है। हम लोग रिस्टार्ट करने के बाद देखेंगे कि डीप फ्रीज वाकई में काम कर रहा है या नहीं। हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है। अभी यह हमें पूछ रहा है डीप फ्रीज पासवर्ड हैज़ नॉट बी सेट, वी वुड लाइक टू सेट पासवर्ड नाउ टू। यस, हम लोग इसको पासवर्ड सेट करने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्स के आइकन के ऊपर शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करेंगे। फिर से हम लोग एक बार क्रॉस चेक करते हैं शिफ्ट दबा के। डबल क्लिक जब ये पूछ रहा है एंटर द पासवर्ड, हम लोग ओके करेंगे। ये 9 दिन के बाद हमारा एक्सपायर होगा, क्योंकि ये हमारा इवेलिड वर्जन है। हम लोग
फिर हम लोग यहाँ पे पासवर्ड पे जाएंगे और इसके अंदर पासवर्ड टाइप करेंगे। हम लोग पासवर्ड इसीलिए एंटर कर रहे हैं कि ये डिफ्रीज हमारे सिस्टम से कोई भी इसे डिसेबल नहीं कर सकता। हम लोग ओके करेंगे एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेट। फिर से हम लोग क्रॉस चेक करते हैं इसके इसको डबल क्लिक करके शिफ्ट, ये ओपन नहीं हो रहा है। हम लोग इसके अंदर वापस से डबल क्लिक करेंगे देन पासवर्ड जो हमने एंटर किया है, ये पासवर्ड सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। आपकी आपकी आपको मैं इसका अनेबल और डिसेबल का फंक्शनलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। बूट फ्रोजन पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपका डिफ्रीज अनेबल होगा, इस तरह सिंबल शो होगा, और आप बूट थ्रेड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका सिंबल क्रॉस मैक शो करेगा। हम लोग इसको रिस्ट अपला एंड रिबूट करके देखेंगे कि इसका सिंबल क्रॉस होता है कि नहीं होता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपका डिफ्रीज ऑन रहेगा आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड रहेगा। आपके सिस्टम में वायरस की वजह से कुछ भी अटैक होता है, रिस्टार्ट होने के बाद सिस्टम पहले जैसा हो जाएगा, जिससे आपकी फाइल सिक्योर हो जाएगी। डिफ्रीज डेस्कटॉप का डेटा, हम कुछ भी डेस्कटॉप पे डेटा सेव करते हैं तो रिस्टार्ट होने के बाद डिफ्रीज उसे निकाल देता है। ये डिफ्रीज का ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को रोकने के लिए उन्होंने थ्रो स्पेस करके फंक्शनैलिटी ऐड की थी, जो हम लोग इसमें देख सकते हैं दिस पीसी में। ये एच करके हमने थ्रो स्पेस बनाई थी, क्योंकि डिफ्रीज के प्रीवियस वर्जन के अंदर ये ड्रॉबैक था, तो ये ड्रॉबैक को उन्होंने रिमूव करने के लिए थ्रो स्पेस बनाया था। थ्रो स्पेस के अंदर हम लोग डेली बेसिस के जो भी काम करते हैं वो हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, ना कि सी ड्राइव के डेस्कटॉप के या माई डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे। अगर सी ड्राइव के डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट में या डाउनलोड में हमारी कुछ भी फाइल रहेगी तो रिस्टार्ट करने के बाद डिफ्रीज ऑन रहेगा तो वो रिमूव हो जाएगी 100%। वो सारी फाइल रिमूव ना हो इसलिए हम लोग थ्रो स्पेस के अंदर हमारा डेटा सेव करेंगे। अगर आपको इसमें सेव नहीं करना है और आपके आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं करना है, आपको नहीं लगता कि डीफ्रीज मेरे सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप इसको डिसेबल करके रिस्टार्ट करके, डिसेबल करने के लिए आप बूट थ्रोट पे क्लिक करोगे और जैसे अप्लाई एंड रिबूट पे क्लिक करोगे सिस्टम रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट करने के बाद ये आइकन के ऊपर आपका क्रॉस मार्क सिंबल शो करेगा। क्रॉस मार्क सिंबल शो करने के बाद आप डिफ्रीज सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे, ये पूछ रहा है कि डिसेबल नहीं है। हम लोग इसको डिसेबल करके अनइंस्टॉल करके भी देख लेते हैं। इसे हम वीडियो में देख रहे हैं कि ये हमारा सिंबल डिफ्रीज का था, उसके ऊपर क्रॉस मार्क आ गया है, यानी डिफ्रीज डिसेबल हो चुका है। अब हमें इसको अनइंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं। ये हमें पूछ रहा है कि हमने जो ये ड्राइव बनाए थे उसको डिलीट करना है, तो हम लोग नो करेंगे ताकि हमने हमारे उस ड्राइव में हमारा डेली बेसिस का जो काम है वो हमने सेव किया है। देन क्लिक करेंगे अनइंस्टॉल पे। जैसे अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके हमारा डिफरेंस हमारे सिस्टम से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।